नमस्कार डियर योगीज, मैं योगा लोकेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगा लोकेश पर। आज हम सीखने वाले हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को कैसे करना है आज हम उसकी बात करेंगे, कैसे हमें सीखना है आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोज़ और मिलते जाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा कैसे करनी है हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सूर्य मुद्रा की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सूर्य मुद्रा आखिरकार क्या करती है। जो व्यक्ति योग कर रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता, वजन कम करने के लिए सूर्य मुद्रा एक बहुत ही सहायक मुद्रा है। यूं तो योग में मुद्राओं का बहुत महत्व है, जैसे मुद्राओं का भरतनाट्यम में, मुद्राओं का क्लासिकल डांस में, मुद्राओं का कथक में बहुत ज्यादा महत्व है, वैसे ही योग में भी मुद्राओं का बहुत महत्व है। तो सूर्य मुद्रा करने पर आपका वजन बहुत जल्दी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप योग आसन कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो सूर्य मुद्रा उसके लिए बहुत ही सहायक मुद्रा है। तो साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सूर्य मुद्रा करने से एकमात्र वजन ही कम नहीं हो रहा है, ये आपकी भूख बढ़ाता है, ये अग्नि तत्व को और ज़्यादा जागृत करता है जिससे आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है, थायराइड से रिलेटेड इश्यूज को ये दूर करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को ये एक्टिव करता है, फैटी लिवर से रिलेटेड इश्यूज को दूर करता है। जैसे हमने पहले ही बोला है कि सूर्य मुद्रा जो है वेट को कम करता है, फैट को मेल्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे आप सूर्य मुद्रा करते हैं ये अग्नि तत्व को और ज़्यादा बढ़ाता है, तो जैसे जैसे अग्नि तत्व बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपके शरीर में से फैट मेल्ट होती जाएगी और आपका वेट कम होता चला जाएगा। इस मुद्रा को करने से आपके शरीर में कहीं कहीं जहां गांठें हो जाती हैं वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस अगर आपके शरीर में हैं तो ब्लॉकेजेस दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह क्रिया करने से आपके शरीर में उत्पन्न अग्नि और बढ़ती जाती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको ये क्रिया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे और डाइजेशन आपका सुधरता है। साथ ही साथ ये देखते हैं कि फैटी लीवर, मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर कम हो रहा है, ये भी बात को ध्यान रखना है कि जिनके शरीर में अत्यधिक गर्मी है उनको ये मुद्रा नहीं करनी है, वो गर्मियों के मौसम में यह मुद्रा नहीं करनी है। जिन व्यक्तियों के शरीर में पित्त रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका पित्त कम होता है उनको ये मुद्रा करनी चाहिए, जबकि जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है उनको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, सूर्य मुद्रा उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये जरूरी है। यदि आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी है तब भी इस मुद्रा को न करें। आपके शरीर में अल्सर कि आके अगर आप रोगी हैं, आपको बार बार अल्सर होते हैं, तब भी इस मुद्रा को ना करें। तो हमारा कहना ये हुआ कि अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके शरीर में हैं उसमें यह मुद्रा हमें नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस मुद्रा को कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको, जैसे आपका ये अंगूठा है और अंगूठे में आपको उंगली लगानी है, ये उंगली को ऐसे आपकी तीसरी लाइन जो है, इस तीसरी लाइन में ये यहां से ये तीसरी लाइन, इस तीसरी लाइन पर इस तरह से उंगली को रखना ऐसे यहां से, और फिर जब आप इस उंगली को रखेंगे तब अंगूठे से इसको ऐसे प्रेस करके रखना, बाकी सारी उंगलियां बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहेगी सीधी, और ये दबा के रखना।
ऐसे आपकी उंगली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसी तरह लेफ्ट हैंड की भी ऐसे ही आपको प्रेस करना है, तो ये बाकी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट सीधी इस तरह से। और ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस मुद्रा को करने का समय कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको इस मुद्रा को करना ही है, सूर्य मुद्रा को आपको करना ही है 10 से 15 मिनट, जिससे आपका शरीर और कांतिमय होगा। जैसे मैंने कहा कि यह आपके शरीर को और कांतिमय बनाएगी, तो देखिए इस मुद्रा में यह हमारा पृथ्वी तत्व होता है और यह हमारा अग्नि तत्व होता है। तो जब हम इस मुद्रा में जब अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व को इस तरह से दबाते हैं, तो इस मुद्रा से पृथ्वी तत्व भी कम होता है, यानी हम ये कहेंगे कि ये पृथ्वी तत्व शामक मुद्रा भी हुई। तो यहाँ और किसी अब जब हम इस मुद्रा को कर रहे हैं तो किन्हीं महिलाओं में पीसीओटी या पीसीओएस की समस्या है, तो इस मुद्रा को करने से वह समस्या का समाधान भी होता है सूर्य मुद्रा को करने से। सूर्य मुद्रा को करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल रहता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं नहीं हो पाती। तो सूर्य मुद्रा के बहुत सारे लाभ हमने देख लिए और इसी के साथ हमने इनके हानियां भी देखी, प्रिकॉशंस भी देखे हैं कि किन लोगों को यह मुद्रा नहीं करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिस मुद्रा के बारे में हम देखेंगे वह मुद्रा होगी वरुण मुद्रा, जिनको पेशाब संबंधी समस्याएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।